आज तक हम बाबा को देखे हैं न्यूज चैनल और टीवी मोबाइल में, उनको देखने का मौका मिलेगा, नैन जुड़ा जाएगा। लेकिन जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर बाबा को आना है, तब से उत्साह और बढ़ गया है हमारे धर्म के लोगों में। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निश्चय होए देव समुदाय। तो बाबा आ रहे हैं तो हमारे लिए भी प्रभु राम आ रहे हैं। खुश है, बहुत खुश, माने अंश से ज्यादा खुश है, मतलब एकदम पूरा माहौल, पूरा एकदम माहौल बना के। सनातन धर्म के प्रचारक, हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर बाबा जो है पटना के नौबतपुर में आ रहे हैं, और नौबतपुर में उनके आने से पहले पूरा कार्यक्रम स्थल जो है एकदम पूरा एकदम उनके लिए तैयार किया जा रहा है। और अभी हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, यानी उस मठ के अंदर हम जा रहे हैं जहां पर बागेश्वर बाबा सत्संग करेंगे। पूरा आप देख सकते हैं यहां पर, और जितने भी लोग यहां पर आज एकत्रित हो रहे हैं ये तमाम लोग मैनेजमेंट को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उनके आने से पहले यहां पर कार्यक्रम को देखते हुए तमाम विधि व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जा रही है। इसी स्थान पर बाबा का आगमन होने वाला है। 12 तारीख को यात्रा है और 13 से 17 के बीच में भंडारे के साथ साथ सत्संग का कार्यक्रम जो है सुबह चार बजे से शाम 7 बजे तक जो है वो रखा गया है। लेकिन बाबा जी के आने से पहले यहाँ पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हो रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वहां पूरा जो रास्ता है उस रास्ते को एकदम चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है, रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। और उधर इस गेट के उस तरफ, यानी जो खाली पड़ा भाग है रोड के उस तरफ, उधर खाली पड़े भाग में बाबा जी का आगमन होने वाला है, और वहीं पर जो है भव्य पंडाल बनने वाला है जहां पर लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ लोग उनके सत्संग को सुन पाएंगे। यहां पर बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, देख रहे हैं आज से 10 लोगों का मजमा सा लगा हुआ है। कैसे देखिए, सबसे पहली बात है कि बागेश्वर बाबा मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को देख आज बिहार नहीं पूरे देश में इतना चाहने वाला है उनका कि लोग उनके नाम से आप खुद जैसे ही त्रेत पाली मठ का ये स्थान चयन किया गया तब से लगातार लोग मठ में आ रहे हैं। ऐसे ये त्रेत पाली का मठ जो है काफी नामी मठ है, लेकिन जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर बाबा को आना है, तब से उत्साह और बढ़ गया है हमारे धर्म के लोगों में। सब लोग जाति बंधन से टूट करके यहाँ पे बाबा को सुनने के आ रहे हैं। काफी दिन से इंतजार था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो लोग छतरपुर जा रहे थे मिलने के लिए, वो महाराज जी जब बिहार में आ रहे हैं तो हम सबके लिए गर्व है, एक तरह से हम लोग खुशी है कि आज हम लोग एकजुट होकर और सब लोग मुस्तैदी से हम लोग काम कर रहे हैं और बागेश्वर धाम यहाँ भी लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पटना से नौबतपुर में आ रहे हैं, पटना के नौबतपुर में, और युवाओं से लेकर बूढ़ बुजुर्ग महिला पुरुष सब में उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि जो है हिंदू धर्म प्रचारक के रूप में यहां पर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। और उनका आगमन से पहले, उनकी ठीक आगमन से पहले यहां पर कार्यक्रम की विधि व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है, यहां पर जिस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है, उसको देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि सर यहां पर लाखों लाख राम भक्त और लाखों लाख सनातन प्रेमी यहां पर जुटने वाले। कैसा लग रहा है बाबा यहाँ पर आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज? बहुत अच्छा लग रहा है, कितना खुशी है। आज तक हम बाबा को देखे हैं न्यूज चैनल और टीवी मोबाइल में, उनको देखने का मौका मिलेगा, नैन जुड़ा जाएगा, मतलब नैन एकदम पिघल जाएगा। कहना है अभी हम महसूस वही कर रहे हैं जैसे राम जी जन्म लिए थे ना, तो जितने ऋषि महर्षि तुलसी बाबा जी रामायण जी में लिखे हैं, हरिहं सकल भूमि गरुआई, निश्चय होए देव समुदाय। तो बाबा आ रहे हैं तो हमारे लिए भी प्रभु राम आ रहे हैं। पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोगों में खुशी व्याप्त है। पूरे देश के सब जितने सनातन प्रेमी हम लोग भगवान से जुड़े हैं तो भगवान के आ रहे हैं, भगवान के कथा करेंगे, इससे बढ़ के कलयुग में और क्या होगा, अमृत पान का हम लोग सेवन करेंगे। आज सत्संग करने आ रहे हैं, यानी लोगों को ज्ञान देने आ रहे हैं, सत के मार्ग पर चलना सिखाने आ रहे हैं, और सत्संग यानी जीवन जीने की कला बताने आ रहे हैं। कैसा लग रहा है धीरेन्द्र जी महाराज? बहुत अच्छा, खुशी का माहौल है, बहुत माहौल, इतना खुश है, बहुत खुश, माने अंश से ज्यादा खुश हैं, मतलब एकदम पूरा माहौल, पूरा एकदम माहौल बना के। चलिए, यहाँ पर तमाम वो लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 13 तारीख को आएंगे। कब आ रहे हैं महाराज जी? महाराज जी माने 12 के आ जाएंगे, 12 को आ जाएंगे, 13 से यहाँ से माने कथा शुरू है, कार्यक्रम एकदम बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और कथा कहाँ पर होगी? कथा वहाँ पे होगी, और इसके बाद जो लोग आएंगे उनको बैठने का व्यवस्था भी वही? हाँ, टोटल व्यवस्था। कितने बजे तक कथा चलने वाली?
वाली है, 4 बजे से लेकर 7 बजे, 4 से 7 तक, 4 से 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग हैं जिनके अंदर उत्साह है, खुशी है, और वो लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि बागेश्वर बाबा यानी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पहली बार बिहार आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तमाम नवयुवकों में, बूढ़ों बुजुर्ग में, इसके बाद तमाम पुरुषों में खुशी का माहौल है। और यहाँ पर ये जो मठ है पीछे, यहीं पर पूरा कार्यक्रम रखा गया है। उधर उस तरफ जब आप रोड के जाएंगे तो वहाँ पर कथा पंडाल लगेगा, और कथा पंडाल में लाखों के संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, और सबके लिए कथा सुनने के लिए सुचारू रूप से प्रॉपर वहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।